हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति चौधरी एंड यू आर वाचिंग और लंच में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में जो आपकी इंग्लिश वोकैब को इम्प्रूव करने में, स्मार्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज ग्लूमी एंड द सेकेंड वन इज ग्रीफ एंड थर्ड वन इज सोरो। ये तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, ग्लूमी, ग्रीफ एंड सोरो। तीनों का मतलब है दुख होना। ग्लूमी, ग्रीफ एंड सोरो तीनों का मतलब है दुख होना। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, आज हम यह सीखेंगे। ग्लूमी मीन्स होता है दुख, ऐसे दुख जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, रोकर अपना दुख जाहिर कर रहा है, तो हम वहाँ पर ग्लूमी यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ग्लूमी वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अंदर से दुखी है, शोक कर रहा है, तो उसको वहाँ पे हम ग्रीफ वर्ड यूज़ करेंगे, वहाँ पर ग्रीफ वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर कोई फॉर्मेलिटी के लिए दुख शो कर रहा है, तो उसको वहाँ पे सोरो बोलेंगे, उसको सोरो वहाँ पे बोला जाएगा। जैसे सपोज़ आप किसी को अपना दुख बता रहे हैं, बट वो आपके दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कह रहा है, हाँ यार गलत हुआ, दुख हो रहा है मुझे भी तेरे लिए वो, बट अंदर से इतना दुखी नहीं है कि वो फॉर्मेलिटी वो आपके सामने शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम सोरो यूज़ करेंगे। तो तीन वर्ड्स हमने यहाँ पर देखे, ग्लूमी जो आंसू से रोते हैं, दुख को जाहिर करते हैं, वहाँ पर ग्लूमी वर्ड यूज़ होता है। सेकेंड, ग्रीफ जहाँ आंतरिक दुख होता है, शोक होता है, वहाँ पर ग्रीफ वर्ड यूज़ करेंगे। और फॉर्मेलिटी के लिए दुख शो करेंगे, वहाँ पे हम सोरो वर्ड यूज़ करेंगे। तो तीन वर्ड्स यहाँ पे दुख को किस तरह से कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने सीखा है, ग्लूमी, ग्रीफ एंड सोरो। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेन एंड एगोनी। पेन, जैसा कि हम जानते हैं, पेन होता है दर्द। जैसे हम चल रहे हैं, हमें ठोकर लगी और हमारे पैर में चोट लग गई, तो हमें वहाँ पे एक दर्द हुआ, हमारे पैर में पेन हुआ। लेकिन एगोनी क्या होता है? एगोनी होता है पीक पॉइंट वाला पेन, बहुत तेज पेन जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा पेन उसको एगोनी बोलते हैं। जैसे सपोज़ हमारे गोली लग गई, तो क्या होगा, हमें पीक पॉइंट वाला पेन, ना हम मर रहे हैं ना हम ठीक से जी रहे हैं, एक तड़पना, बिल्कुल पीक पॉइंट वाले पेन को हम एगोनी बोलते हैं। तो पेन होता है एक नॉर्मल पेन, कम दर्द वाला पेन भी पेन होता है, लेकिन एगोनी होता है पीक पॉइंट वाला पेन, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर वाला पेन जो होता है उसको एगोनी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जायंट। जायंट मीन्स होता है विशाल, बहुत विशाल। जैसे विशाल जीवों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं, राक्षस होते हैं, बड़े बड़े विशाल होते हैं, वहाँ पे हम जायंट वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है विशाल, इसका यूज़ हम करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ह्यूज वर्ड, विशाल, ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, विशाल का है बिल्डिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज वास्ट। वास्ट मीन्स होता है ब्रथ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जैसे किंगडम के लिए वास्ट किंगडम, बहुत बड़ा किंगडम जो फैला हुआ है चारों तरफ, वहाँ पे हम वास्ट वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज लार्ज। लार्ज मीन्स होता है बहुत बड़ा या बड़ा। आकृति के लिए केवल हम इसको यूज़ करेंगे, शेप के लिए, जैसे लार्ज शेप होती है, एक्स्ट्रा लार्ज शेप होती है, वहाँ पे हम लार्ज वर्ड यूज़ करते हैं बड़े के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मैमथ। मैमथ मीन्स होता है विशाल का है, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, वेट में बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कोई चीज़ जो असाधारण होती है। जैसे सपोज़ कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा विशाल का है, अब वो चीज़ यहाँ, अब मैमथ पहले होते थे, हाथी की ही प्रजाति थी पहले, बट वो अब नहीं होती है। तो मैमथ होता है बहुत विशाल का है चीज़, उस वहाँ पे हम बहुत बड़ी बॉडी जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ मैमथ वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉइज एंड केओस। नॉइज एंड केओस, इसको क्या डिफरेंस है ये यहाँ समझते हैं। नॉइज होता है शोर, जनरली जब क्लास में स्टूडेंट शोर करते हैं उसको नॉइज बोला जाता है, बट केओस इतना शोर कि बच्चे क्लास को सर पर उठा लें, उसको केओस बोला जाता है। नॉइज इतना शोर जो जनरली क्लास में बच्चे शोर करते हैं उसको नॉइज बोला जाता है, बट केओस इतना शोर कि बच्चे क्लास को सर पे उठा लें, उसको
केओस बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबंडेंट एंड प्लेंटी। अबंडेंट होता है किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में होना, उसको बोला जाता है अबंडेंट। कोई चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको अबंडेंट बोला जाएगा। प्लेंटी होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, एक समृद्धि होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, उसको बोला जाता है प्लेंटी। अबंडेंट होता है किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा, एंड प्लेंटी होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, एक समृद्धि होना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, उसको प्लेंटी बोला जाता है। जैसे सपोज अगर आप बोलना चाहते हैं मेरे लिए ज़्यादा मात्रा में समय होना चाहिए, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश देयर शुड बी अबंडेंट टाइम फॉर मी। मेरे लिए ज़्यादा समय होना चाहिए, देयर शुड बी अबंडेंट टाइम फॉर मी। और अगर आप बोलना चाहते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा समय होना चाहिए, बहुत अधिक समय होना चाहिए, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश देयर शुड बी प्लेंटी टाइम फॉर मी। यू कैन से देयर शुड बी प्लेंटी टाइम फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा समय होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जितनी वीडियोस और लॉन्च गिवर की तरफ से अपलोड होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।